फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इजी और सिंपल से स्लीक डिज़ाइन बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। इसकी विड्थ 3 इंचेस है और लेंथ इसकी 4 इंचेस ले ली है। आप इससे बचे हुए फ्यूजिंग पेपर बना सकते हैं, जो नेक में एक्स्ट्रा फ्यूजिंग बच जाता है उस पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर में मैंने 3 इंचेस की लेंथ का निशान लगा लिया है और मार्क कर लिया है, और इसके बाद 2 इंचेस इसकी विड्थ का निशान लगा लिया है। यहाँ पर मैं एक लीफ का शेप ड्रॉ करूँगी जो मैंने मार्किंग की है। उस पर 2 इंचेस इसकी मैंने विड्थ ली है और लेंथ इसकी मैंने 3 इंचेस ली है। अब मैं एक लीफ शेप ड्रॉ कर लूँगी। लीफ शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाहर 1/2 इंच के फासले पे मैं पूरे लीफ के साइड्स पे निशान लगा लूँगी। अब इन सारे निशानों को मैं मिला लूँगी आपस में जो मैंने ड्रॉ किए हैं। और अब मैं इन जो बाहर मैंने निशान लगाया है लीफ के, उस पर मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह से कट होने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा ये लीफ का शेप। अब ये मेरी स्लीव है जिस पर मैंने इसको डिज़ाइन बनाना है। अपनी शोल्डर साइड पे जो है मैं इसको डिज़ाइन को बनाऊंगी, और उससे पहले मैं ये जो मैंने लीफ कट किया है इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लूँगी। ये इसका कंट्रास्ट का कपड़ा लिया है मैंने इसके लिए, इस पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद इसको मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के इसको कट कर लिया है, और अब मैं इस जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इसको मैं स्टिच कर लूँगी। मेरी स्लीव है, इसके शोल्डर वाले साइड पे मुझे डिज़ाइन अटैच करना है, तो मैंने इस पर आयरन की मदद से सेंटर की क्रीज बना ली है। आप भी इसे आयरन की मदद से क्रीज बना लें या फिर चौक की मदद से लाइन ड्रॉ कर लें। अब ये लीव जो है मुझे यहाँ पे अटैच करना है, बिल्कुल सेंटर में इसको मैं रखूँगी, और ऊपर का जो गैप मैंने लेना है शोल्डर और डिज़ाइन के बीच में, वो तकरीबन 3.5 इंच का लूँगी। 1/2 इंचेस जो है मेरा स्टिचिंग का होगा और 3 इंचेस जो है मैं उसको वैसे भी नीचे बनाऊँगी। अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी जो मैंने निशान ड्रॉ किया हुआ है इस पर। स्टिचिंग मैंने इसको कर लिया है, अब जितना भी अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है, अब मैं अंदर छोटे छोटे नॉचेस लगाऊंगी, और इसके बाद इसको लगाने के बाद मैं इसको पलट लूँगी और आयरन की ऊपर आयरन करके इसको फिनिशिंग दे दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है और आयरन की मदद से इसको फिनिशिंग दे दी है। अब आप जो है पर्ल्स लेके, बीट्स लेके इसके इनर कॉर्नर पर लगा सकते हैं।
इस तरह से मैंने इसको बीड्स लगा लिए हैं और बहुत अच्छा सा लुक आया है। बहुत इजी और सिंपल सा स्लीव डिज़ाइन है जो कि ईजिली रेडी हो जाएगा बहुत ही जल्दी से। आप भी इसे अपने इस पर ट्राई कीजिए और फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।